नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्ट उपाध्याय। पीएम मोदी ने दोबारा से सत्ता में आने के बाद से एक के बाद एक फैसलों की झड़ी लगा दी है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बार पीएम मोदी मुसलमानों के उत्थान के लिए एक के बाद एक लगातार फैसले ले रहे हैं। वैसे भी पीएम मोदी शपथ लेने के बाद कई बार ये कह चुके हैं कि इस बार सबका साथ सबका विकास के साथ साथ सबका विश्वास भी जीतना है। देश में अभी एक देश एक चुनाव की बात चल ही रही थी कि इस बीच मोदी सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड लाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। दरअसल उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। पासवान ने कहा कि राशन कार्डों की देश भर में पोर्टेबिलिटी की सुविधा शुरू की जाएगी, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि सभी लाभार्थियों खासकर प्रवासी लोगों को देश में कहीं भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस का राशन मिल सके। बता दें कि केंद्रीय मंत्री पासवान ने 27 जून को राज्यों के खाद्य सचिव और सरकारी अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि पीडीएस के इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट के तहत राशन कार्डों की एक केंद्रीय संग्रह केंद्र बनाई जाएगी ताकि राष्ट्रीय स्तर पर दोहरीकरण से बचा जा सके। इसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के राज्य मंत्री दानवे राव साहेब दादाराव ने राज्यों से आग्रह किया कि वे राशन कार्डों के डिजिटलाइजेशन पर काम करें। अब सवाल यह है कि ये नई व्यवस्था पूरे देश में कैसे काम करेगी और इससे जनता को क्या लाभ मिलेगा। तो आपको बता दें कि इस नई व्यवस्था के बूते आप देश भर में एक ही राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे। यही नहीं बल्कि इसके बूते फर्जी राशन कार्ड बनाने वालों पर भी नकेल कसी जाएगी। दरअसल सरकार की तैयारी है कि आधार कार्ड की तर्ज पर हर एक राशन कार्ड को एक यूनिक पहचान नंबर दिया जाएगा। इससे फर्जी राशन कार्ड बनाना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी जिसमें एक ऑनलाइन एकीकृत सिस्टम बनाया जाएगा। इस सिस्टम में राशन कार्ड का डेटा स्टोर होगा। इसके बन जाने के बाद अगर देश में कहीं भी कोई अगर फर्जी राशन कार्ड बनवाने की कोशिश करेगा तो इस सिस्टम के जरिए इसे पता चल जाएगा। इसके बाद अगर कोई नया राशन कार्ड बनाने आता है तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। इस ऑनलाइन सिस्टम का एक बड़ा फायदा ये भी होगा कि कोई भी लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में और किसी भी राशन की दुकान पर सब्सिडी वाला अनाज ले सकेंगे। एक बार ये ऑनलाइन नेटवर्क तैयार हो गया तो दूसरे राज्यों में नौकरी के सिलसिले में गए लोगों को कहीं से भी राशन लेने की सुविधा मिल जाएगी। इससे काफी बड़े स्तर पर लोगों को फायदा मिलेगा। जिस तरह से मोदी सरकार एक देश एक राशन कार्ड की व्यवस्था के लिए फैसला लेने जा रही है, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।